हेलो दोस्तों, नमस्कार। SMKC चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ 2 से 3 हम लोगों को इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं एंड डेफिनेटली कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले इन्हीं को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो चलिए, एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, क्या क्या पॉसिबिलिटी वाली चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही है एंड इसका क्या असर इस शेयर प्राइस के ऊपर पड़ने वाला है, सारी चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर SMKC इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर, दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बहुत बड़ी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड। अगर हम लोग आज के दिन रिलायंस के शेयर को देखें तो ज़्यादा कोई जंप नहीं देखने को मिल रहा है, हालांकि कल हम लोग को अच्छी खासी जंप देखने को मिली थी, बट आज भी हम लोग को ये 20 पॉइंट लगभग ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 1% की जंप आप लोग ऐसे भी यहाँ पे कह सकते हो। अगर देखा जाए तो स्टॉक्स पिछले 6 महीने में बहुत ज़्यादा यहाँ पे भाग चुका है। अगर मैं एग्जैक्टली परसेंटेज की भी बात करूँ, कितना यहाँ पे निचले स्तर से दिया है, सो लगभग 150% भी अगर आप लोग रफली पकड़ लोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। 150% के रिटर्न्स यहाँ पे शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पे कमा चुके हैं। इनफैक्ट हम लोग सब चाहते हैं कि ये शेयर से रिलेटेड कुछ तो नेगेटिव न्यूज़ आ जाए एंड हम लोगों को ये शेयर नीचे मिले, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ जैसे आएगा इसमें जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हायर लेवल पे चल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है जो महंगे लेवल पे चीज़ें चलती है तो उनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी होती है एंड शायद से सऊदी अरेमको से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो वही एक फिलहाल रिलायंस के लिए, बाकी तो सारी चीज़ों में वो ठीक ठाक ही यहाँ पे काम कर ही रहे हैं। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं एंड उसके बाद 2 से 3 न्यूज़ क्या है उसका अपडेट भी देख लेते हैं। 26% के आसपास आप लोग देख सकते हो, 26.81% के आसपास हम लोगों को यहाँ पे डिलीवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का 52 वीक हाई अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, सो 2198 का कंपनी का 52 वीक हाई है, मतलब कंपनी अभी भी चल रही है 2100, सो अभी भी अपने हाई के ही करीब है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा 2 से 3 ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को यहाँ पे देखनी है एंड आप सभी लोगों को पता है रिलायंस के जो बिजनेसेस है अलग अलग है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यूजुअली 2 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बट स्टिल मैं जाते जाते और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूंगा, हालांकि वो कल ही आ चुकी थी बट उसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है। बट आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री में अलग अलग बिजनेस है, टेलीकॉम है, मतलब जियो है, रिलायंस रिटेल है, ऑयल पेट्रोकेमिकल्स, आप सभी लोगों को केमिकल से रिलेटेड वो भी एक बिजनेस है। सो हर एक बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग को बड़े बड़े अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पिक करेंगे यहाँ पे जियो से रिलेटेड, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रिलायंस यहाँ पे एक इंटरनल न्यूज़ ऐसी सामने आ चुकी है। इंटरनल न्यूज़ मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं रिपोर्ट्स के द्वारा एक न्यूज़ सामने आ चुकी है कि रिलायंस यहाँ पे काम कर रहा है एंड टू एंड नेटवर्क गियर फॉर द 5G। यस, 5G लाने से रिलेटेड रिलायंस यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से काम यहाँ पे कर रहा है एंड जैसे ही उनका सारे चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी वो इसका एक बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। तो इसीलिए अगर आप लोग गूगल पे ऊपर भी जाके चेक करोगे तो आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग को ये न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, इनसाइड रिलायंस जियो गेम प्लान फॉर 5G। यहाँ पे 5G से रिलेटेड रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे बातचीत चल रही है एंड इसी से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे डिटेल में देना चाहूँगा। दोस्तों, अगर हम लोग ये बात कहें कि ये जो 5G से रिलेटेड बात सामने आ रही है ये कोई फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग पिछले 4 मंथ पीछे जाके देखें सो रिलायंस की 43rd हम लोग को AGM देखने को मिली थी जो कि जुलाई में कंडक्ट हुई थी एंड वहाँ पे जो जियो के चीफ है मिस्टर मुकेश अंबानी, तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें डिक्लेयर की थी, कंपनी के एम्बिशंस क्या है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर के प्लान्स क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। तो उन्होंने कहा था कि जियो हैज़ क्रिएटेड अ कंप्लीट 5G सॉल्यूशन फ्रॉम स्क्रैच दैट विल एनेबल अस टू लॉन्च अ वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस इन इंडिया यूजिंग 100% होम ग्राउंड टेक्नोलॉजीज एंड सोल्यूशन। तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग 5G भी लाएंगे एंड प्लस उसी के साथ साथ 100% वो कैसे रहेगा, यही का रहेगा। मतलब आप सभी लोगों को पता है कि बीच में एक न्यूज़ भी आई थी सामने वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड कि उनका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली जो वो काम करते हैं इन्वॉल्वमेंट है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हुआ वे आप सभी लोगों को पता है जो कंपनी है चाइना से रिलेटेड है, बट रिलायंस जियो एक ऐसी कंपनी जो कि 100% हम लोग कह सकते हैं इंडियन मेड ही कंपनी से जुड़ी हुई यहाँ पे सारी बातें हम लोग को देखने को मिली है, जो कि अमेरिका के भी रिपोर्ट्स में यहाँ पे छप चुका था। सो 5G से रिलेटेड यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री का काम चालू है एंड वापस मैं बताना चाहूँगा जैसे ये हो जाएगा तो इससे रिलेटेड एक बड़ा अनाउंसमेंट आ जाएगा। तो जैसे हम लोगों ने रिलायंस के शेयर प्राइस में जंप देखी थी जियो के वक्त, वैसे हम लोग को वापस जंप्स यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर प्राइस में एक बार वापस देखने को भी मिल सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री के जो ऑफिशियल्स थे उनको इसी के बारे में पूछा गया, इस प्लान के बारे में 5G से रिलेटेड हमारे पास रिपोर्ट्स के द्वारा न्यूज़ आ रही है, तो उन्होंने यहाँ पे एक बात क्लियर बोल दी है कि
जो ये सारी चीज़ें सामने आ रही है वो डिटेल्स अगर हम लोग यहाँ पे कहें वो बात तो बिल्कुल सही है, बट अभी भी बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे करना बाकी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें बहुत सारे चैलेंजेस उनको इक्विपमेंट से रिलेटेड आ रहे हैं, एंड उसीलिए आप लोग देख सकते हैं हाउएवर हैज़ येट नॉट शेयर अ डिटेल। उन्होंने डिटेल ऑब्वियसली कोई भी डिटेल्स देंगे नहीं, रिपोर्टर्स तो मांगने का काम करते हैं बट वो कभी भी देंगे नहीं। एंड यूजुअली उन्होंने कहा है कि अभी भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हो रही है वो फिलहाल हम लोग को इम्पोर्ट ही होते हुए देखने को मिलती है। 90% ऑफ टेलीकॉम गियर इज़ करंटली इम्पोर्टेड। सो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें यहाँ पे करनी है तो बहुत कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने को पड़ने वाले हैं, एंड इसी से रिलेटेड फिलहाल वो यहाँ पे जूझ रहे हैं। सो दोस्तों जियो से रिलेटेड सबसे पहली न्यूज़ तो हम लोगों ने देख ली कि 5G से रिलेटेड उनका काम यहाँ पे चल रहा है। सेकेंड अगर हम लोग न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं जो कि एक ज़बरदस्त न्यूज़ है, एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री के ही और एक जो पॉपुलर चलने वाला बिजनेस है वो है रिलायंस रिटेल। एंड दोस्तों आप सभी लोग पता है बीच में दो इन्वेस्टर आए थे किसमें, जियो में इन्वेस्ट करने के लिए, जियो प्लेटफॉर्म में, जिसमें उन्होंने लगभग $20 बिलियन इन्वेस्ट भी किया था। मतलब टोटल अगर हम लोग बात करें आप सभी लोग पता है 13 इन्वेस्टर्स आए थे उन्होंने टोटल किया था। तो उसमें से दो बड़े इन्वेस्टर थे, एक था फेसबुक एंड दूसरा है KKR। सो दोस्तों उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ सामने आ रही है कि यहाँ पे शायद से वो रिलायंस रिटेल में भी क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस मतलब आज हम लोगों ने यहाँ पे देखा था इसके पहले कि सिल्वर लेक एक नाम सामने आ रहा था, उसी के साथ साथ अभी KKR एंड उसी के साथ साथ फेसबुक का भी नाम यहाँ पे सामने आ रहा है कि जियो प्लेटफॉर्म के साथ टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन इट्स रिलायंस रिटेल बिजनेस टू। तो ये भी एक ज़बरदस्त न्यूज़ अभी हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो फिलहाल ये जो न्यूज़ सामने आ रही है हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, तो किससे रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम फिलहाल चल रही है तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, बहुत ध्यान से पढ़ लेना। इट इज़ बिलीव दिस इन्वेस्टर हैव इनफॉर्मली बीन गिवन एन ऑप्शन टू ऑल्सो पुट इन मनी इन अ रिलायंस रिटेल वंस द मोनिटाइजेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी स्टार्ट आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है ऑफ किशोर बयानी, जो एक्विजिशन से रिलेटेड उनकी जो चीज़ें अभी भी यहाँ पे चल रही है, एक बार उसके बाद यहाँ पे रिलायंस रिटेल का जो बिड ओपन कर देंगे कि जिनको यहाँ पे निवेश करना है, तो उसके बाद हम लोग जरूर कह सकते हैं कि फेसबुक एंड KKR को यहाँ पे ऑप्शन सीधा सीधा दे दिया है। आप लोग देख सकते हो उनको ऑप्शन दे दिया है कि आप चाहो तो अपना मनी रिलायंस रिटेल में यहाँ पे लगा सकते हो। सो अभी तक हम लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स के द्वारा सामने आ रही है, बट हम लोग कह सकते हैं रिलायंस रिटेल को अगर बेचा जाएगा तो 3 इन्वेस्टर के पॉसिबिलिटी वाले नाम हमारे सामने आ चुके हैं कि सिल्वर लेक, उसके बाद KKR एंड नेक्स्ट वन इज़ फेसबुक। सो बहुत बड़े इन्वेस्टर है दोस्तों, जिससे रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं वापस रिलायंस इंडस्ट्री के ही प्राइस को यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। सो ये थी आज के दिन की सेकेंड ज़बरदस्त बड़ी न्यूज़ रिलायंस रिटेल से रिलेटेड, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकता है। सो फिलहाल किशोर बियानी से रिलेटेड फ्यूचर ग्रुप का जितना भी ये एक्विजिशन से रिलेटेड जो प्रोसेस है एक बार पूरा तरीके से 100% कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद इनके लिए भी ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और दोस्तों जो थर्ड न्यूज़ थी जो आप सभी लोगों को पता है कल ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे O2C बिजनेस जो रिलायंस का यहाँ पे जो बिजनेस है ऑयल से रिलेटेड उसको अलग करने की यहाँ पे फिलहाल बात की जा रही है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये इससे पहले भी 3 से 4 महीने पहले ये बात हो चुकी थी, बट इससे रिलेटेड जो प्रोसेस है अभी बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुका है। सो यही हम लोगों को देखना है कि O2C बिजनेस किस हद तक यहाँ पे अलग सेपरेट किया जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा कुछ चीज़ों को इंक्लूड नहीं करने वाले। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि रिलायंस के जो प्राइस में मेजरली हम लोग को जंप देखने को मिल रही है वो फिलहाल इन्वेस्टर के आने से रिलेटेड, मतलब जियो से रिलेटेड कोई हो सकती है या फिर रिटेल से रिलेटेड हम लोग को होते हुए देखने को भी मिल सकती है। सो ये भी न्यूज़ ज़बरदस्त है, बट जब ये कन्फर्म हो जाएगी तभी हम लोग इसके बारे में आगे सोच सकते हैं। सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी शॉर्ट फॉर्म में मैंने ये 10 से 12 मिनट के वीडियो में कवर करके आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। सो इसी के चलते वापस हम लोग को फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री में शायद से जंप देखने को भी मिल सकती है। मैं वापस कहना चाहूँगा बहुत सारे लोग पूछते हैं सर पॉजिटिव न्यूज़ ही क्यों, तो नेगेटिव न्यूज़ जब तक मेरे पास नहीं आती मैं कैसे बताऊँ, बट शायद से अगर आप लोग नेगेटिव न्यूज़ जानना चाहते हो तो Aramco से रिलेटेड जो डील है जितना वो डिले होती चली जाएगी यही एक नेगेटिव न्यूज़ है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को बड़ा डैमेज दे पाएगी। एंड सेकंड अगर रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अगर गिरना है तो ऑब्वियसली पूरे मार्केट में कुछ तो होना चाहिए, जो कि हम लोगों ने पिछले टाइम भी देखा था 800 रुपये तक ये स्टॉक आया था। तो वैसे अगर कुछ हो जाता है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस जिसके ऊपर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है तभी ये शेयर हम लोग को शायद से नीचे आते हुए देखने को भी मिल सकता है। फिलहाल अगर हम लोग बात करें अगर रिलायंस रिटेल वापस यहाँ पे इन्वेस्टर ऐसे ही लाइन लगना शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली जंप हम लोग को इस कंपनी के फ्यूचर में भी होते हुए देखने को भी मिल सकती है। बट हम लोग आशा जरूर करेंगे कि इसमें गिरावट जरूर होनी चाहिए, वरना हम लोग को सस्ते दाम में वापस खरीदने का मौका कैसे मिलेगा। एनीवेज जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी यहाँ पे मैंने कवर कर लिए, तो आयो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें एंड अपडेट्स यहाँ पे
पता चल जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।